लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एक चार्ज होता है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो फोर्स लिखते थे क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता था इंटू में चार्ज। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते थे तो क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो इसमें देखो उन्हीं चीज़ों पर कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं कि ये क्या कहता है कि एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड वी से 30 डिग्री एंगल के ऊपर चल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें पता लगाना है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है और क्या इसका डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, एफ मैग्नीट्यूड, तो उसको तो लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा तो हो गया 30 डिग्री, क्यू हो गया 2 माइक्रो कूलम, तो ये आ गया 2 × 10^-6 इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 30। साइन 30 हाफ होता है, तो इसने ये 2 को कट कर दिया, तो जो नेट फोर्स आया वो कितना आया, 50 × 10^-6 न्यूटन। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं वी क्रॉस बी से, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके लिख सकते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हो। तो इसमें वी क्रॉस बी करते हैं, वी इधर आएगा, बी इधर है, तो जो वी क्रॉस बी आएगा, वी इधर है, बी इधर है, तो वी क्रॉस बी, तो थंब ऊपर की तरफ आया, चार्ज पॉजिटिव है, तो जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसमें जो फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, 15 × 10^-6 न्यूटन। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये बात हम लास्ट टाइम पे कर चुके थे। इसमें देखो ये तो हो गया, ये सिंपल जो मैग्नीट्यूड वाला हो गया कि जैसे एक फोर्स निकालना है मैग्नीट्यूड में। अगर मैं वेक्टर्स की बात करूँ तो ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग अन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बी इज़ 3i कैप + 4j कैप टेस्ला, एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज़ ए विच इज़ λi कैप + 3j कैप। तो हमें फाइंड करना है लेमडा। देखो जो हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स इज़ क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये होता है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें कहता है कि जो फोर्स है वो हमेशा वी के परपेंडिकुलर होगा, और जो फोर्स होगा वो हमेशा बी के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर फोर्स बी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो भी बी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू 0, तो ये हम दो वैक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ करते हैं ए डॉट बी वेक्टर इज़ 0, तो ए डॉट बी, अगर मैं इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो आई आई के साथ डॉट होगा, तो 3λ, ये हो जाएगा 3 × λ + 4, जे जे के साथ डॉट होगा तो 4 × 3, 4 × 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे जो लेमडा निकल के आ गया वो कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो लेमडा आ जाएगा -4। तो इसमें तो बस यही चीज़ वो यूज़ करवाना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और फोर्स बी के परपेंडिकुलर होगा तो एक्सेलरेशन भी बी के परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो वही प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज़ किया है। तो इसमें जो वैक्टर्स की प्रॉपर्टी है वो यूज़ हुई है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम एंड हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज़ मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी 2i कैप 3j कैप एंड k कैप टेस्ला, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज 2i कैप + j कैप - k कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, हमें एफ वेक्टर फॉर्म में निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स को तो हम लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी, तो जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना आएगा, 1 माइक्रो कूलम है, तो 10^-6 कूलम है, और जो मास है वो ये मिलीग्राम में दे रखा है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-6 kg हो जाएगा। तो पहले फोर्स लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, वी क्रॉस बी चाहिए, तो मैं इसका पहले वी
क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखो ये कैसे करते हैं कि हमें करना है वी क्रॉस बी, तो ये तो हो गया आई कैप, जे कैप और ये के कैप। हमें पहले वी क्रॉस बी करना है, तो पहले वी लिखा जाएगा, तो वी कितना आया, वी यहाँ पर हो गया 2 1 और -1, 2 1 -1, और उसके बाद लिखा जाएगा बी, वो हो गया 2 3 और ये 1। इसमें क्या करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ से इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो वी क्रॉस बी आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। देखो इसको ऐसे करते हैं कि पहले मुझे क्या करना है, आई कैप के लिए निकालना है, तो ये हो गया आई कैप, और आई कैप कैसा है, पॉजिटिव है, तो मैंने इसको लिखा पॉजिटिव आई कैप। अब क्या करते हैं, मुझे आई कैप निकालना है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हम हाइड कर देते हैं ऐसे, तो सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा, तो इसमें 1 इंटू 1 -3 इंटू -1, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा -1। मतलब हमें क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करना होता, तो ये 1 इंटू 1 -3 इंटू -1, तो ये हो तो हो गया आई कैप। फिर हमें जे कैप निकालना है, जे के साथ नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस जे कैप। अब जे कैप के लिए करोगे तो ये ऊपर वाला रो हाइड हो जाएगा और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 -1 और 2 और 1, तो ये कैसे करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो 2 इंटू 1 -2 इंटू -1, तो इसको ऐसे लिखा गया 2 इंटू 1 -2 इंटू -1, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा जो k के लिए लिखेंगे, तो प्लस हो जाएगा ये प्लस k कैप, तो k कैप के लिए ये और ये हाइड हो गया, तो 2 इंटू 3 -2 इंटू 1, तो 2 इंटू 3 -2 इंटू 1, तो ये आ गया k कैप। तो ओवरऑल जो v क्रॉस b आया वो कितना आ गया, i कैप के साथ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4 i कैप, 2 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 4, 4 के साथ माइनस लगा तो -4 j कैप, और ये कितना हो जाएगा 6 - 2 4, तो 4 k कैप, तो ये आ गया v क्रॉस b। अब मुझे लिखना है फोर्स, तो फोर्स आप लिख सकते हो F वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा q v क्रॉस b, तो F वेक्टर फॉर्म में आ गया, q तो हो गया 10 की पावर -6, और v क्रॉस b हो गया 4 i कैप -4 j कैप +4 k कैप, तो ये तो हो गया फोर्स वेक्टर फॉर्म में। हमें लिखना है इसका एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा आया, ए वेक्टर विल बी एफ वेक्टर डिवाइड बाय मास, तो एफ वेक्टर तो हो गया 10 की पावर -6, 4 i कैप -4 j कैप +4 k कैप डिवाइड बाय मास, हो गया 10 की पावर -6, तो इससे ये कट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 i कैप -4 j कैप +4 k कैप, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4² प्लस -4² प्लस 4², तो ये आ जाएगा 4√3 m/s². तो हमने देखो इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी किए हैं, जिसमें हमने क्या किया, सिंपल ये क्यू वी बी हमने मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन किया है, फिर हमने वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं यहाँ पे, कि जो फोर्स होता है वो बी के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स बी के परपेंडिकुलर होता है, फिर हमने ये वेक्टर फॉर्म भी यूज़ किया है कि अगर बी और वी वेक्टर फॉर्म में दे दें तो उसके कैसे सोल्व किया जाता है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है वी क्रॉस बी, तो आई जे के, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और के साथ प्लस, देन उसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो हम फोर्स की कुछ जनरल बातें हम कर रहे हैं कि ये हर चीज़ का, ये हमेशा मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए अप्लाई होगा, तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स ये हम लिखते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें बताता है कि अगेन वही बात है, इसलिए जनरल बात है, तो
इसको दोबारा से इलेबोरेट करके लिख रहे हैं कि जो ये फोर्स है, ये फोर्स एक तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, और जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये इसकी जनरल बात है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी और बी के परपेंडिकुलर होगा। एक पार्टिकल की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो ये हमें क्या बताता है कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो चीज़ है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, हमें पता चला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम वर्क डन लिखते हैं, वर्क वर्क डन बाय अ फोर्स, किसी भी जनरल फोर्स के लिए अगर हम वर्क डन लिखते हैं, तो वर्क डन हम लिखते हैं एफ डॉटेड विद एस, मतलब दो वेक्टर का हमें क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, वेयर जो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कि अगर एक डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ऐसे फोर्स जा रहा है एफ, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा, तो हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये कितना होगा, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 ज़ीरो होता है, इसका मतलब है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा ऑलवेज। कि मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई भी वर्क डन नहीं करती है उस चार्ज पार्टिकल पे। तो इसका देखो कॉन्सिक्वेंस क्या आया, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करें, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि एक बॉडी है उसके ऊपर नेट जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब लगा दो और उन सब का वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैं मानता हूँ कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं इस वाले केस में इसको लगाऊँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ज़ीरो है, ज़ीरो। तो ये कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हमें बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हमें इससे ये चीज़ पता चलती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज। कि काइनेटिक एनर्जी क्या रही, कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, सेम रहेगी। जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जैसे अगर वो चार्ज पार्टिकल की शुरू में काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल ही रहेगी। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हमें ये बात भी पता चलती है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब है कि जो स्पीड होगा वो भी सेम होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जैसे फाइनल वेलोसिटी वी मान लो और इनिशियल वेलोसिटी यू मान लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वेयर। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि वी इज इक्वल टू यू, कि मतलब जो ये स्पीड है वो भी सेम रहेगी, मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल
रिमेंस कांस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट, कि जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई, कि चलो उसका स्पीड तो चेंज नहीं हुआ, कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से काइनेटिक एनर्जी सेम रही, काइनेटिक एनर्जी सेम रहा तो स्पीड ऑफ पार्टिकल सेम रहा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है इसके साथ, कि स्पीड तो सेम रहेगा लेकिन हम डायरेक्शन की अगर बात करें, कि जैसे मान लो कि एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो जैसे अगर मैं ऐसे मान लूँ कि ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी, और इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा था यू स्पीड से, ठीक है, यू स्पीड से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये चार्ज क्यू है, तो इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, वी क्रॉस बी या यू क्रॉस बी, तो फोर्स ऐसे लगा, यू इधर है बी इधर है, तो यू क्रॉस बी इधर फोर्स लगा। तो जैसे ही इस ये ऐसे जाते हुए पार्टिकल के ऊपर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो जो पार्टिकल है वो सीधा ना जाके वो ऐसे ऐसे करके चले जाएगा। तो पार्टिकल का क्या होगा, कि जब पहले फोर्स नहीं लग रहा था तो पार्टिकल एकदम सीधा जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा पार्टिकल के ऊपर, ये मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन जब ये डायरेक्शन चेंज होगा तो पहले जिस स्पीड से मूव कर रहा था बाद में भी उसी स्पीड से मूव करेगा, मतलब हर पॉइंट पे जो उसका स्पीड रहेगा वो यू ही रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेंस सेम, रिमेंस कॉन्स्टेंट, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस। तो ये इसकी बात होती है, पूरी की पूरी बात इसमें ये है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद भी स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहा लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो अगर मुझे से पूछा जाए कि ठीक है, कि अगर इसका स्पीड के बारे में कमेंट करो, तो स्पीड तो कैसा रहेगा, स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के ऊपर क्या कमेंट है, कि मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी का क्या होता है, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, कि वेलोसिटी जो है वो चेंज करती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन। हम ऐसे बात कर सकते हैं कि डायरेक्शन की वजह से ये सारी बात हो रही है, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी रहेगा वो चेंज करता है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को, तो उसको सही रखना कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ओवरऑल जो बात हुई वो ये हुई कि मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, मतलब स्पीड चेंज नहीं करता है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो वो वेलोसिटी चेंज कर देता है। तो हमें एक्चुअली जो ओवरऑल बात है वो क्या है, कि मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल बट नॉट इट्स स्पीड, कि वो स्पीड को चेंज नहीं करता, स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो आप ऐसे बोल सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करता है, अगर ओवरऑल देखें तो जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो जो वर्क डन होगा मैग्नेटिक फोर्स का वो ज़ीरो होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन ज़ीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसा हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, वो सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो मतलब स्पीड सेम रहेगा,
लेकिन करता क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को चेंज कर देता है, वो चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर देता है। तो अगर स्पीड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल का, लेकिन उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है। और ये जो भी बातें हैं ये जब तक वैलिड है जब तक जो फोर्स है वो मैग्नेटिक है, और चाहे केस कोई भी हो, वी और बी में कितना भी डिग्री एंगल बने, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, कैसा भी केस हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी तो ये वाली बातें हमेशा वैलिड करेंगी। तो अब हमें ऐसा पढ़ना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो डेविएट तो कर जाएगा, लेकिन वो कैसे पाथ में चलेगा उसके बाद, कि उसके ऊपर जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू होगा कि तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोला होगा, कैसा होगा, उसके बारे में हमें बात करना है। क्योंकि जैसे ही हमें पाथ पता चलेगा कि पार्टिकल उस पाथ को फॉलो कर रहा है, देन उसके बाद हम उसके ऊपर काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल डेविएट करता है नहीं करता है, डेविएट कर जाएगा तो उसका क्या पाथ रहेगा, कौन सा पाथ वो फॉलो करता है, और नहीं डेविएट करता है तो कैसा पाथ फॉलो करता है। देन उसके बाद उसकी काइनामेटिक्स हमें देखनी है, कि उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 3 सेकेंड के बाद इतना उसके ऊपर इतना वेलोसिटी हो जाएगा या इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगा। तो इसमें हम इस वाले सेगमेंट को हम केसेस में डिवाइड करते हैं, अलग अलग केसेस में डिवाइड करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो देखो उसमें जो केस वन है, ठीक है, तो पहले चलो बात करते हैं कि जो जो भी फोर्स होगा वो कैसा लिखा जाएगा, कि मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर वो लिखा गया क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं कि वी और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। तो इस थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जैसे जैसे थीटा चेंज करते जाएंगे फोर्स अलग अलग होता जाएगा, तो वो अलग अलग वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं तो हम थीटा के हिसाब से हमने केसेस को डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला केस है, पहला केस ऐसा है, केस वन, ये क्या कहता है कि आइदर वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू बी, मतलब वेलोसिटी इज़ ऐसे बी इज़ पैरेलल टू बी, ठीक है, या फिर वेलोसिटीज एंटी पैरेलल टू बी, कि जो चार्ज पार्टिकल है या तो वो बी के पैरेलल मूव कर रहा था या फिर बी के एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो अगर मैं वी बी के पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला केस है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर एंटी पैरेलल वाली बात है तो वो कहता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाले केसेस की हम बात कर रहे हैं, या तो चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री एंगल बनाएगा बी के साथ या फिर 180 डिग्री एंगल बनाएगा बी के साथ। तो ठीक है, तो इसमें देखो कि लेट्स से कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है और इसमें जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, वो ऐसे जा रहा था वी वेलोसिटी के साथ। तो वी इज़ पैरेलल टू बी वाला केस हो गया ये। तो इस केस में जो थीटा एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। तो अगर इस वाले फॉर्मूले में साइन थीटा रखेंगे तो फोर्स कितना आया, 0 आ गया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 आया। अगर फोर्स 0 है इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी 0 है। अगर हम इसकी बात करें कि वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू बी, कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी इधर और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है वी स्पीड से और ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है क्यू, तो ये वाला केस हो गया थीटा 180 डिग्री का। तो ये हो गया थीटा 180 डिग्री। तो अगर इसका साइन निकालेंगे तो साइन 180 डिग्री इज़ ऑल्सो 0, तो साइन 0 हो गया, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया। तो फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया।
ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें कि चाहे वो थीटा जी वो जो चार्ज है वो बी के पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले, उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो आएगा और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का देखो मतलब क्या हो गया कि अगर हम दोनों केसेस को लेके चलें कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी रेट, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो डेल्टा वी भी ज़ीरो होगा, इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ ज़ीरो। अब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर हम देखें इसमें कि वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एंड इट्स डायरेक्शन, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन रिमेंस सेम। तो अगर पार्टिकल का ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा मतलब जितना शुरू में उसका स्पीड था बाद में भी उतना ही स्पीड रहेगा। ये बात तो पहले वाले केसेस में भी हमने देखी थी कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पार्टिकल की स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, तो ये बात तो पहले ही हमने प्रूव कर दिया है। अगर चार्ज पार्टिकल बी के पैरेलल चलेगा या एंटी पैरेलल चलेगा तो उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो लगेगा, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो होगा, तो उसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, तो पार्टिकल कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो इस केस में पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो हमें ये क्या बताता है कि जो ओवरऑल जो बात है वो क्या है, पाथ ऑफ पार्टिकल वो कैसे रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पार्टिकल जैसे ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते आगे जाएगा, ये पार्टिकल भी ऐसे आगे आगे चला जाएगा इस वाली डायरेक्शन में जिसका स्पीड हमेशा वी रहेगा, और ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करता रहेगा। तो ये पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। इसमें जो बात है वो ये है कि आगे अगर हमें काइनेमेटिक्स यूज़ करना है तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जिसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, तो ओवरऑल जो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो आ गया, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है ठीक है, या इसको अगर ओवरऑल लिखें तो वी पैरेलल टू बी हो जाए या फिर वी एंटी पैरेलल टू बी हो जाए, तो इस केस में फोर्स ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, पाथ स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो हम काइनेमेटिक्स का तीनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक तीनों इक्वेशंस होती हैं। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो जो काइनेमेटिक्स है वो और भी सिंपल हो गई, तो जो भी आगे रहेगा तो मतलब इसके अंदर क्या यूज़ हो सकती है, इसके अंदर आप सिंपल काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हो। अगर ओवरऑल पूछे कि जो पार्टिकल है वो बी के डायरेक्टली बी से पैरेलली मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, पार्टिकल का डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा। और अगर ये पूछें कि 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड था 2, टाइम था 4 सेकेंड, तो 2 × 4 8 मीटर। तो सिंपल काइनेमेटिक्स होती है अगर ये वाला केस आता है, तो बी वी बी के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, तो सिंपल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।